अब ये बकरियां पता कहाँ है, मंडियों में भरी जाएगी आने वाले समय में। कारण कि जब इनको पैसे की जरूरत पड़ेगी, किसान वर्ग गरीब आदमी है, कसाई वर्ग इनको खरीदेगा और ये मंडियों में 7-8 हज़ार के भाव में बकरियां बिकेगी। ये है दोस्तों, अगर अब देखो व्हाइट कलर देख के कोई सोचत ले रहा ना तो ये जो फार्म मैं लिख के दे देता हूँ स्टाम्प पेपर पे, ये 6 महीने में फार्म बंद होगा। देखो मेरा अगर चुनाव आए ना तो इसको कैंची मारो, खस्सी पे भेजो। अगर ऐसा ब्रीडर बाड़े में पहुंच गया तो नहीं मान लो उसने तो सारे बाड़े का सत्यानाश ही कर दिया। ये फार्मिंग में पहुंचे और ये बकरी कोई फार्म वाला ले जाए जी, तो 6 महीने में उस फार्म की फाइल बंद होनी है। ये है कड़वी सच्चाई। गाइस किसानों के साथ हैं हम इस वक्त यहाँ फार्म पे गांव-गांव, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और किसान जो है यहाँ के प्रॉपर जो पारंपरिक धंधा ये करते हैं बकरियाँ रखने का, और जानकारी हमने दे दी। अच्छी लगी आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये जानकारियाँ, छोटी छोटी जानकारियाँ लाने का मकसद यही है कि आपको जागरूक करने का, और हम किसानों को भी जागरूक कर रहे हैं। कैसा लगता है बताइए आप मुझे, वीडियो पूरा देखिए और ज़रूर बताइएगा। सर थोड़ा ऐसा है, सुकान जी चावला साहब हमारे साथ हैं। सर इस बकरे को हमने देखा है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देंगे आप? जैसे ब्रीडर देख रहे हैं ना सर जी, आपके सभी व्यूअर्स को दिल से हमारा जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। देखिए आप ब्रीडर देख रहे हैं जी जी, अब ये लोग उसको गुलाबी के चक्कर में इस ब्रीडर को खरीदेंगे। बिल्कुल, ये पूरा क्रॉस ब्रीड है। ये क्रॉस है क्या मतलब, पहचान क्या रहेगी? ये एक तो इसकी जो चमड़ी है ना गुलाबी जो आई है ये, जी जी ये सोजत का ही नहीं। कैसे मतलब मान ले, हमको तो ये दिख रहा है ना कि मतलब कि ये सोजत है, क्योंकि ये मेरा नहीं सारे व्यूवर्स का मानना है। ये जो धब्बा है ये तो सोजत का निशान ही है। तो इसका फादर कौन रहा होगा, क्या रहा होगा आपके? इसका जो फादर जो रहा ना क्रॉस, पतीरा हैदराबादी क्रॉस रहा है। ओके, तो इसका है कि, और अब इस क्रॉस का जो निशानी बताऊं आपको जी, अब ये जो बच्चे आ रहे हैं देखो, ये बिल्कुल कमर सीधी बच्ची, देखो आप देखो उसको। हाँ ये बकरियां जो दिख रही है ना, कमर का बैंड नहीं है ना, बिल्कुल बिल्कुल कमर सीधी है। ये ऐसे बच्चे और ये कमजोर बच्चे इसी की निशानी है। ये क्रॉस ब्रीड होने की वजह से ही यार, क्रॉस ब्रीड है। लेकिन क्रॉस ब्रीड में सर और बताऊँ आपको, इन ब्रीडिंग भी है। अच्छा, इंटरनल ब्रीडिंग जो मतलब कि वंशानुगत जो फादर की ब्रीडिंग हो रखी है ना। ऐसे वंशानुगत है, ये आई नहीं इनके। आप देखो इस बकरे का जो पॉइंट टू पॉइंट नोट करें हम। बाकी सर एक बात बताइए कि वजन में हाइट लेंथ अच्छा लिया है? हाइट लेंथ कुछ भी नहीं है इसकी जी। कितने सोजत पेवर होती है ना जी, तो इसकी हाइट कम से कम 3 से 4 इंच और आती जी। इसका कमर का जो बैंड है वो सिरोही वाला जाता जी। इसका सीने का हम्प पावरफुल होता ठीक है, और ये जो हमारी जो ओरिजिनल ब्रीड होती है ना जी, उसकी तुलना में 30% अधिक अग्रेसिव रहता है। एक चीज बताइए सर, ये बेवजह शराब करेगा, ये क्रॉस ब्रीड की पहचान। अच्छा ये डबल हड्डी है? ना ना, डबल हड्डी इसको कहाँ बोलोगे। वेट क्या रहेगा? वेट इसका 90 किलो अंडर है। अंडर 90 किलो। हाँ, ये ग्राइक मार सौदा बोलते हैं लोग, जजमेंट करेंगे 100 किलो, लेकिन ये थोथा बकरा है। ओके, क्योंकि ये मतलब बाल, घने बालों की वजह से या अंदर से जो है हड्डियाँ खोखली, वो जो क्या मतलब कैसे थोते में क्या समझेंगे हम? प्योर है ना जी, प्योर में ये चमड़ी आती है गुलाबी। ना ये चमड़ी है ही नहीं जी। इसके पीछे पूंछ पे देखो आप जी जी, पूंछ पे देखो आप जी, ये जो अग्रेसिव होना ना, हाँ इसको बांध के रखा हुआ है तभी अग्रेसिव है जी। अगर खुला रखते तो अग्रेसिव नहीं होगा, नहीं होगा ना। चलो बढ़िया है, छोटी छोटी जानकारियां हैं किसानों के फार्म से हम ले रहे हैं। इन पीछे की पूंछ है, ये इसका अग्रेसिव होना, इसकी हाइट क्या मानते हो आप? ये सॉरी 38 38 काली बीट है, है ना। लेकिन इसका राउंड जो है ना, ये 90 डिग्री एंगल जो आया है। ना ना ना, ये इसका जो बैंड है ना, देखो ये बैंड जी जी, केवल बालों की बनावट है, कर्व जो बॉडी का कर्व, हाँ वही बोल रहा हूँ, कर्व जो अगर ये पेवर होता ना तो इसकी जो लेंथ है जी जी वो कम से कम नहीं मान लो 12 इंच और बढ़ती अभी। हाँ 12 इंच और जाता है वो, जैसे हमने एक क्या बात, कितना मानते हो इस बकरे को आप? आप रहे ना सर, मैं तो 4 फीट है टोटल। ओके, और ये लगभग सोजत 5 फीट को क्रॉस कर जाता है। ओके, हम दो हाथ ऐसे कर लेते हैं ना, ये नाप के देखते हैं, दो हाथ में अंडर चल रहा है, दो हाथ बाहर नहीं जा। तो वो तो वैसे भी कम जगह बचे हैं, जैसे हमने एक दो लिए थे याद है आपको, जैसे ये कान है ना, ये देखो इसकी पतीरा की निशानी है, ये देख रहे हो जी जी, ये कान है ना। हाँ हाँ, मैं तो ये सोजत पे देखो, खड़े कान है बिल्कुल यूँ
सीधे कान है, देखो ना आप, ये इसकी निशानी है। तो ये बोला जाता है कि जैसे ये देखो, ये हाथ का एक सीन लेते हैं कि सोजद का कान इतना होना चाहिए। नहीं नहीं, कान तो इससे भी बड़ा हो जाता है। अच्छी सोजद की ब्लड लाइन में थे कान, जी जी, वो तो क्रॉस करते करते या तो हमने ज्यादा कान की ओर चले गए, फिर हमारे एक पतेरा के क्रॉस हुए तो वो कान हमने बिल्कुल ही गायब कर दिए उसमें गुलाबी के चक्कर में। गुलाबी देख भाई, सब्जी बनानी है ना, ठीक है, या तो उसको स्वादिष्ट बनाने के चक्कर में कुछ अच्छा डाल दिया जी, और नहीं तो वो सब्जी बिगड़ गई। सही बात है, ये दो ही कारण रहे। क्या किसान हमारे साथ है, क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम राकेश। राकेश जी, चलो, कितने साल से रख रहे हो बकरियाँ? बकरी बचपन से। बचपन से रख रहे हैं? बचपन से रख रहे हैं। इस भाई की बकरी, हम बुराई करने नहीं आए किसी की। अब ये जो बकरी बुराई की नहीं, रियलिटी की बात है सर। ये बकरी देखो आप, इस बाड़े में आओ एक बार। चलो अंदर। बकरी क्या ब्याह होता भाई? ये दो ब्याह देगी। दो ब्याह मतलब तीसरे की तैयारी है। अब दो ब्याहत की बकरी का इसका मैक्सिमम वजन ही 40 किलो है, जबकि ये प्रेग्नेंट है। अभी भी प्रेग्नेंट है? हाँ। ओके, ये बकरी मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये दिखाओ गाइस, ये वाली बकरी। ये बकरी फार्मिंग में पहुंचे और ये बकरी कोई फार्म वाला ले जाए जी, तो 6 महीने में उस फाइल फार्म की फाइल बंद होनी है। ये है कड़वी सच्चाई। जो फार्म करना चाहते हैं क्वालिटी ब्रीड पे, ब्रीडर देखो, सबसे पहले तो बाड़े में ब्रीडर बाड़े की शान होता है। तो हम 99.9% हम ऐसे ब्रीडर को, मेरा अगर चुनाव आए ना तो इसको कैंची मारो खस्सी पे भेजो। अगर ऐसा ब्रीडर बाड़े में पहुंच गया तो नहीं, मान लो उसने तो सारे बाड़े का सत्यानाश ही कर दिया। तो सर कैसा ब्रीडर लेना चाहिए? ब्रीडर आएगा तो बताएंगे ना, आने दो। हम उसी खोज पे हैं। सुनो, ये जेनेटिक्स में इससे कहीं तो आई है। अब ये ब्रीडर छोड़ रखा है, ये दो दांत हो गया, चेक करो आप। ये दो दांत ब्रीडर है। अब आपको दिखाऊं एक बच्चा, वो बाहर काट ला दो, बाहर दिखाऊं आपको दिखाऊं, दो दांत बच्चा है, मैं आपको दिखाऊंगा दो दांत बच्चा भी। जी क्या, तो वो कहते हैं ना कि पहलवान जब चलता है मैदान के अखाड़े में तो उसकी मिट्टी लगती है। सीधी सी बात, ये पहलवान ये अखाड़े वाले है ही नहीं, ये वो दर्शक है मनोरंजक वाले, केवल देख सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको बाड़े में। अच्छा चलो ठीक है, अंदर ही आते बेटा, दे देना है ना। अब ये ब्रीडर बना रहा है लंबे कान के चक्कर में, देखो आप, कर लिए दो दांत। हम क्या कहते हैं, हमने बाड़े में नहीं आए ना, कर लिए ना ये कान के चक्कर में। अब ये क्या तो इसका है, ये 35 किलो का ब्रीडर है इनका, वजन बना लो, हाइट लेंथ नहीं होगी। ये अभी देखो ना, ये बच्चा है, ये 12-13 किलो का बच्चा है टोटल जिंदा। कहाँ से अब कैसे प्रोडक्शन आएगा? क्या राय देना चाहेंगे सर? राय दीजिए आप। अच्छा ब्रीडर, अच्छी ब्लड लाइन का चुनाव, जब जाके बकरियों का चुनाव होगा। अब ये बकरी देखो, ये बाड़े में, समझ गए? हमारा मकसद है किसानों के पास सही जानकारी पहुंचाने का। ये बकरी है, ठीक है। अब ये बकरी देखो आप, ये 2.5 फीट की बकरी है टोटली, मतलब जो सोजत थी ना, सोजत को हमने बर्बरी और ब्लैक बंगाल बना दिया। रियलिटी में सोजत रहा ही नहीं ना, ये भी आपके सामने है, मैं ये गांव पिपलिया कड़ा में खड़ा हूँ आज, ठीक है। और अभी शाम का वक्त है, सुन लो, टाइम बता दीजिए, मैं आपको बताऊंगा। लो अभी देखो, और आज अभी ये बात भी पता करते हैं, बिल्कुल गूगल पे ही पता करते हैं, क्योंकि सब समाधान जो है ना गूगल बाबा से आजकल। कट लगाने की जरूरत नहीं है सर, सीधी गूगल, प्लीज टेल मी टाइम एंड डेट। ये क्या बता रहा है, 7:23 हुई है। मैं ये जानकारी कितने बजे दे रहा हूँ, 7:23 पे, कौन सी तारीख है, 17 मई 2023, ये चेक करो आप। मतलब इस टाइम तक मैं अपने परिवार को छोड़ के, अपने फार्म को छोड़ कर, और जब किसानों के साथ पहुँचता हूँ, अगर ऐसा बाड़ा में देखता हूँ तो हमारा शर्म जो सर है ना, वो शर्म से नीचे झुक जाता है कि किसान कमाएगा क्या। अब ये सुनो, ये किसान कौन से हैं जी? ये वो किसान है जिनके हाथ में लाठी तो रही जी, और इस लाठी का जो फायदा है किसान नहीं उठा पाया। सही बात है। यहाँ व्यापारी वर्ग आएगा, जिसको हम कसाई वर्ग बोलते हैं, वो इनके बच्चे 4,000-5,000 में खरीद के ले जाएगा। ये पूरी साल मेहनत, पूरी जिंदगी इन्होंने ऐसी मेहनत करते रहे, रेवड़ की रेवड़ चराते रहे, लेकिन इनका बकरा कोई अच्छी रेट में नहीं बिका आज तक। मान लीजिए ये बकरा आज 8 दांत है, 2 साल का बकरा हो गया जी, बिल्कुल ठीक है।
दो साल में हम 24 महीने माने, 24 महीने की अगर इसकी कैलकुलेशन 1500 रुपये महीने की अगर मैं सालों 6 महीने तक तो नहीं चला, उसके बाद तो चला 18 महीने, 18 महीने में अगर ये 1500 रुपये महीने कैलकुलेशन चला आज के दौर में महंगाई के दौर पे, इंटू 18 महीने 27,000 रुपये खा चुका है। अब क्या रेट में बिकेगा? ठीक है, 10,000 रुपये उसका प्रोडक्शन भी होना चाहिए था उस टाइम का। सही है, 37,000 रुपये तो घर में है, मेहनत कहाँ गई? किसानों को मेहनत नहीं मिल रही। मिली क्या? वो चीजें हैं। अब ये देखिए बकरी, अब ये 2 ब्याह चुकी है, हैं? 8 दांत पूरी हो गई है, क्या रिजल्ट आएगा बताओ? ब्रीडर की तलाश में है हम भाई। सुनो, आज ये 20 बकरी खड़ी है, कितनी? 20 है। 20 जरूरी थोड़ी रखनी, 10 रखो, 5 ही रख लो, सिर्फ 5, 5 ही बेड़ा पार कर दे, जरूरी थोड़ी है 5 ही बेड़ा पार कर दे, लेकिन होवे क्वालिटी। अब ये बकरियां पता कहाँ है, मंडियों में भरी जाएगी आने वाले समय में, कारण कि जब इनको पैसे की जरूरत पड़ेगी, किसान वर्ग गरीब आदमी है, हैं, कसाई वर्ग इनको खरीदेगा और ये मंडियों में 7-8 हज़ार के भाव में बकरियां बिकेंगी। ये है दोस्तों, अगर अब देखो वाइट कलर देख के कोई सोजत ले रहा ना तो ये जो फार्म मैं लिख के दे देता हूँ स्टाम्प पेपर पे, ये 6 महीने में फार्म बंद होगा। सही बात है, ये स्टॉल फीडिंग वाला जानवर नहीं है, ये तो चराने वाला जानवर, ये ग्रेजिंग वाला जानवर है। ठीक है, अभी ग्रेजिंग पे किसान का टाइम पास हो गया, वो कुल्हाड़ी के दम पे डाली छांग छांग के इनको खिला दिया और खर्चा लगा नहीं जब इनका टाइम है, क्योंकि इनको ये नहीं पता आज तक का हमारा इंसान कि तूने अपने जीवन का जो इनको टाइम दिया है वो पैसे से कहीं ज़्यादा कीमती है। द मोरल ऑफ द स्टोरी, टाइम कहाँ से लाओगे? सही बात है, समय ही धन है। वो चीज़ें थी सर, आजा मैं बताना चाहता, ये कड़वी सच्चाई थी, न ब्रीडर न बकरियाँ, तब कहीं जाके अगर ये सही चुनाव नहीं है, देखो ये कट्टू तैयार होता है। आज ये 7 महीने का बच्चा, पूछ लो इनसे, दुख होता है सर ऐसे। 7 महीने का बच्चे का वजन अगर ये 25 किलो है, या तो बेचेगा और वो क्या खाएगा और क्या कमाएगा? थैंक यू सो मच। ठीक है सर, माफ़ी चाहते हैं हम आपके व्यूअर से, लेकिन ये कड़वी सच्चाई हमें बतानी पड़ रही है। थैंक यू सो मच।